हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, एक कहावत आपने भी कई बार सुनी होगी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो समाज की स्थिति खराब हो जाती है। जी हां, जब देश के पुलिस वाले ही अपराध करने लग जाएं तो समाज में नियम कानून की धज्जियां उड़ती हैं। आज दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई पुलिस वाला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन उससे पहले हम साफ कर दें कि हमारा मकसद हमारे पुलिस को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है कि अपने काबिल पुलिस वालों को उन पुलिस वालों से बचाना जो उनका नाम खराब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा है पंजाब के छोटे से गांव का, जहाँ पर एक पुलिस वाला दारू के नशे में किसी और महिला के घर में घुस गया। जी हाँ, उस महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। वो इतने नशे में था कि महिला को कहता है कि आज मेरे साथ ही रह ले, रानी बना दूंगा। ये भूल गया कि भारत की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, महिला ने भी पुलिस वाले को पकड़ लिया और गांव के बाकी लोगों को भी बुला लिया। फिर होना क्या था, सबने पहले तो इस पुलिस वाले को पीटा और उसके बाद रस्सी से एक पेड़ पर बांध दिया। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये बदा हुआ है। एक गलती ने इसकी सरकारी नौकरी तो ले ही ली, साथ ही साथ पंजाब पुलिस की बदनामी भी हो गई। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं आज की दूसरी वीडियो, जी हाँ, जो कि आई है इंदौर शहर से। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाला ठीक तरीके से उठ भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं उस समय सबसे पहली चीज जिससे आपको दूर रहना है वो है शराब। लेकिन इस पुलिस वाले को तो बस एक ही बात आती है और वो है हमका पीनी है हमका पीनी है। जी हाँ, देखिए ना, इन्होंने इतनी पी ली कि होश ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किस पुलिस चौकी पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये समझने को तैयार ही नहीं है। जब कुछ पुलिस के अधिकारी आए और पूछा कि आप किस थाने से हैं, तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये कहने की स्थिति में ही नहीं थे। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अरे हो गए, अरे आए कहाँ से आप? अरे हो गए, क्या पिया? अरे कुछ नहीं। एक पुलिस वाला दारू का रखवाला बन चुका है। दोस्तों, आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है। ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार देंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। जी हाँ, यहाँ का नजारा सबसे अलग ही है। ये वीडियो आई है बिहार से। यहाँ पर देखिए कि कैसे पुलिस वाला एक लड़के के पैर पकड़ रहा है। जानते हैं क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि इस लड़के ने पुलिस वाले का रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया। जी हाँ, कहते हैं कि ये पुलिस वाला सुबह सुबह ही सबको रोड पर रोक रोक कर पैसे लेने लग गया। किसी ने अगर बोला भी कि आप चालान कर दो तो इनका कहना था कि नहीं, मैं अपनी जॉब करूंगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि किसी ने इनकी वीडियो बना ली है तो इनके पैर हाथ फूल गए। यहाँ आप देखिए कि क्या हालत हुई है इनकी, ये कितने परेशान लग रहे हैं। अब इनको क्या ही कहा जाए, ये कैसे लड़के के पैर पर गिर रहे हैं। वैसे इस लड़के के बारे में एक ही बात कही जा सकती है और वो है जियो रे बिहार के लाला, जियो रे तू हजार साला। दोस्तों, अब ये भी वीडियो आप देख ही लीजिए कि कैसे हमारे देश के पुलिस वाले देश के ही बाकी बहादुर पुलिस वालों का मजाक बना रहे हैं। जी हाँ, 200 रुपए में कैसे ये कानून को बेच रहे हैं। दोस्तों, ये नजारा है यूपी के किसी जिले का। यहाँ आप देखिए कि एक पुलिस वाला कैसे तेज दिखाते हुए एक गरीब ट्रैक्टर वाले को धमका रहा है। जी हाँ, कह रहा है कि अगर इस चौकी से ट्रैक्टर पास करवानी है तो दिन में 200 रुपए देने होंगे। जबकि ट्रैक्टर वाला, जो कि बहुत ही गरीब लग रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब 100 रुपए ही ले लीजिए। लेकिन ये पुलिस वाला कहाँ मानने वाला था। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देना है तो 200 रुपए ही दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ और ट्रैक्टर को हम जब्त कर लेंगे क्योंकि आपके पास सारे पेपर नहीं है। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर पेपर नहीं है तो या तो ये इस किसान को समझा देते कि कैसे पेपर बनाना है, लेकिन इन्होंने अपनी ही कमाई की दुकान खोल दी। 100 रुपया नहीं ले पाएंगे, बंद कर गया, 200 देना है तो दो, आना तो जाओ। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ड्यूटी पर रहते हुए सरकार की तरफ से जो जीप मिली हुई है उस जीप में बैठकर पुलिस वाले क्या कभी पार्टी कर सकते हैं, और पार्टी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि नशे की पार्टी। यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले जो है वो जीप में बैठकर बियर पी रहे हैं।
जी हाँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिन के समय में वो भी ड्यूटी करते हुए पुलिस वर्दी को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये चार थे जिनमें से किसी को शर्म भी आ गई, लेकिन एक जो था वो नशे में इतना चूर था कि वो भूल ही गया कि क्या बोले जा रहे हैं। दोस्तों सुनिए। नंबर लेंगे तो बियर पियोगे? अरे हम कौन बियर पी रहे हैं? और क्या है, नशे में नहीं हो आप? अरे नंबर नहीं, आप मुझसे कैसे? ये पुलिस वाला कहता है कि गाड़ी का नंबर लिख लो और जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। अब आप ही कहिए कि क्या पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी बियर पीना गलत बात नहीं है? नशे में धुत रहकर बातें करना क्या गलत बात नहीं है? और जिसने इनकी वीडियो बनाई उसको अलग ही ये धमका रहे हैं। ये वाकई में शर्मनाक घटना है। किसी भी राज्य की पुलिस को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? वेल फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जी हाँ, ये है पुलिस वाले की सबसे मजेदार वीडियो जो कि दारू के नशे में ड्यूटी पर आया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए कैसे वो इधर से उधर हो रहा है। क्या आपने कभी इस तरह के पुलिस वाले को देखा था? ये कैसे लेफ्ट राइट कर रहा है? वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पिए बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखा है। जब इनके बारे में पता चला तो इस पुलिस वाले ने कहा कि इसने नहीं पी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनसे जब कुछ एक्टिविटी करने गए, कुछ पुलिस के ड्रिल्स कराए गए, तो ये चारों खाने चित्त हो गए। क्या बात है, अब इनको समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी में दारू पीने का क्या अंजाम होता है। ये कितनी गलत बात होती है दोस्तों, ये तो अपने पैर को सही सलामत रख ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ का भी नजारा आप देख ही लीजिए। वैसे कुछ भी स्पेशल नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप समझिए कि कैसे एक पुलिस वाले ने इतनी दारू पी ली है कि उसे होश ही नहीं है कि कहाँ सो रहा है। ये देखिए किसी पब्लिक टॉयलेट में कैसे नींद ले रहे हैं ये। क्या कहेंगे आप इनके नशे के बारे में? एक ही बात कही जाएगी कि ये वाकई में देश का नाम झुका रहे हैं, ये वाकई में पुलिस वालों का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी सो सकता है, लेकिन टॉयलेट में नहीं सोता। क्या आपने कभी देखा है किसी को टॉयलेट में सोते हुए? पर इस पुलिस वाले को क्या ही कहा जाएगा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई बड़ी लड़ाई इन्होंने फतेह की है और इतने थक गए हैं कि इनको होश ही नहीं है कि कहां सोना है और कहां नहीं। शर्म आती है कई बार इस तरह की फुटेज देखकर। क्या कर रहे हैं देश के रखवाले। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा है यूपी के किसी शहर का। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले ही नियम बनाते हैं और वही नियम तोड़ते हैं। कई बार ये बात सच होती भी नजर आती है। आप सोचिए ना कि जब आप बाइक पर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? ये पुलिस वाले आपका चालान काट देते हैं, है कि नहीं? यकीनन काट देते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये बाइक पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखा था। एक लड़के ने एक स्कूटी पर दो महिला पुलिस वालों को देखा था, तो उस समय दोनों ही महिला पुलिस ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद होना क्या था, जब इस लड़के ने कहा कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो ये महिला पुलिस अकड़ कर जवाब दे रही है, कह रही है कि आप अपना देखो, मेरे को नियम कानून मत सिखाओ। अब आप ही बताइए कि पुलिस के सिर क्या पत्थर से बने हुए होते हैं कि इनके चोट नहीं आएगी? देश का नियम तो सबके लिए एक जैसा ही है दोस्तों। अगर नियम का पालन पुलिस वाले ही नहीं करेंगे तो आम जनता क्या खाक पालन करेगी? इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि समाज को सेफ रखने की जिम्मेदारी करने वालों को कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी को गलत संदेश जाता है इससे, है कि नहीं? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।